अभी क्योंकि मैं बबलू जी जो कि फादर है उनका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और अभी हम लोग शूट कर ही रहे हैं, तो वहाँ से मैं 5 मिनट मांग के इधर आया हूँ। इस वजह से पेट है, वैसे भी आ चुका है थोड़ा बहुत लॉकडाउन में, बट अभी हमें कुछ स्पेशल चीज़ शूट कर रहे हैं बहुत लोगों के साथ, तो सिर्फ आज का ही दिन है हमारे पास। और पहले तो थैंक यू आप लोग सब आए, ये मेरे लिए पहली बार है इसलिए मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत लंबे समय के बाद आपका शो आ रहा है जी, और मम्मी के जाने के बाद ये पहला शो है जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उससे उभर पाएंगे आप? वो वहाँ से नहीं उभर सकता कोई, बट वो चीज़ें अभी बात की बात है, बट अभी काम करना है, अभी काम जो किया हुआ है कमिटमेंट किया हुआ है वो निपटाना है, ये बातें बाद में सोचा। जी कितना प्राउड फील हो रहा है, मेरे को जब बताया तो मेरे तो गूज़बम्स आ गए, बहुत बड़ी बात है, मतलब आई विश मैं उनसे पर्सनली मिल सकूं, बट आई एम सो हैप्पी दैट उन्होंने ये किया मेरे लिए और हमेशा आभारी रहूंगा उनका, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क, उन्होंने कर दिया तो अब थोड़ा सा निश्चिंत हूँ मैं। तो ढिंडोरा एक आम आदमी की कहानी है, बबलू जी की कहानी है, कैसे उनकी और उनके पूरे परिवार की रातों रात जिंदगी बदल जाती है। इस सीरीज़ में आपको कॉमेडी मिलेगी, इस सीरीज़ में आपको ड्रामा मिलेगा, एक फैमिली के इमोशंस मिलेंगे, वो सब कुछ मिलेगा जो आप एक नॉर्मल सीरीज़ में कॉमेडी सीरीज़ में एक्सपेक्ट करते हैं, और हमने बना तो दिया है, हमारा बेबी है, अब जनता के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है कि आपको कैसा लगता है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आपने 9 कैरेक्टर्स इसमें दिखाना चाह रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, वो 9 कैरेक्टर्स किस तरह से ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? हमने ये प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया था, 2017 में इसका कॉन्सेप्ट फाइनल किया था और 18 से लेकर 21 जनवरी तक 2021 जैन तक हम लोग इस पे काम कर रहे थे, फिर वो एडिटिंग में गया और 9 कैरेक्टर प्ले करना अभी मुझे लग रहा है कि हो गया, पर उस टाइम बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत VFX भी था उसमें, बट वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं। खुश हूँ ओवरऑल प्रोडक्ट देख के, बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी आने वाला है, अभी पोस्टर शायद आ भी चुका है मेरे ख्याल, मुझे पता नहीं, हाँ तो पोस्टर आ गया है, बहुत खुशी है, अभी देखता हूँ क्या कहती है जनता। तो सबसे चैलेंजिंग जो रोल रहा है वो कौन सा रहा है, ये जानना चाहूँगी? मम्मी वाला रोल रहा है क्योंकि उसमें दुपट्टा पहनना पड़ता है पूरा, वो आवाज़ पतली करके बात करना पड़ता है, और बबलू जी का क्योंकि दाढ़ी वाड़ी चिपकाना पड़ता है तो चुप रहा है बहुत अभी, बट हाँ बट सही है, अच्छा है, वर्थ इट। सो पर्सनली फेवरेट क्या रोल है आपके लिए? टीटू मामा भी है सीरीज में, उनका फेवरेट, मतलब वो रोल मेरा फेवरेट है, बट हाँ क्योंकि सारे किरदार अपने हैं तो सभी के सभी फेवरेट हैं, और जब वो सारे मिल के आपको कुछ कॉमेडी देते हैं तो बड़े मजे की बात है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं मेरे लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर कैरेक्टर लोगों के दिलों में है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कैरेक्टर ज़्यादा फेमस है, कोई एक कैरेक्टर को लोग ज़्यादा जानते हैं, सभी को इक्वली लोगों ने अपने दिल में जगह दी है और अभी तक दी है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी देते रहेंगे और मेरे को पूरा यकीन है कि देते रहेंगे। हाँ मतलब ऑडियंस से जब मिलते हैं तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है आपके कैरेक्टर को लेकर? सबको पसंद आता है, बट सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तब होता है जब कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि मैं ही प्ले कर रहा हूँ सारे कैरेक्टर, तो कई लोगों को ये नहीं पता होता कि टीटू मामा मैं ही हूँ, लोगों को लगता है कि टीटू मामा एक्चुअल में कोई एक्टर है, तो जब वो पूछते हैं कि मामा कहाँ हैं तो मैं भी बोल देता हूँ अभी बाहर ही हैं कहीं। प्ले वाला रोहित राज के साथ आपकी जो दोस्ती है जी, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, जिस तरह की आपकी बॉन्डिंग है साथ में काम करने? अरे ये दोनों का ड्रीम था यार, ये दोनों का ड्रीम था, हम दोनों ने सोचा था कि ऐसा कुछ बनाएंगे और ठोकरे खा खा के लड़खड़ा के फाइनली हमने अभी बना दिया है, और जितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है ये उतना ही रोहित के लिए महत्वपूर्ण है, और पूरी टीम जो भी इन्वॉल्व है इसमें उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा, ये तो ट्रेलर के बाद ही आपको पता चलेगा। और क्या कुछ USP पॉइंट्स बताने चाहेंगे आप अलग ऑडियंस को? तो इसमें USP पॉइंट ये है कि ऑडियंस ने अभी तक सिर्फ यहीं तक देखे हैं कैरेक्टर, लोगों ने दो हाथ नहीं देखे मेरे, लोगों ने मेरी टांगें नहीं देखी हैं, बट इसको हमने बिल्कुल एक जैसे फिल्म शूट होती है वैसे शूट किया है,
और इसमें वैसा ही मसाला है, वैसी कॉमेडी है जैसे एपिसोड्स में होती है, लेकिन इसमें ड्रामा भी है, इसमें हर तरह का इमोशन है, फैमिली का इमोशन है, और हाँ मतलब एक फुल पैकेज इसको आप कह सकते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिला है वो मिला है पेशेंस, क्योंकि जैसे जब ये कैमरा सेटअप हो रहा होता है तो बहुत वेट करना पड़ता है, तो वो पेशेंस मुझे बहुत सिखाया इन 2-3 सालों ने। पर कैरेक्टर्स का अपना ही है, कैरेक्टर कुछ सिखाते नहीं, हालांकि उठपटांग चीज़ें ज़रूर सिखा देते हैं, तो सब कैरेक्टर का अपना ही मज़ा है। ऑडियंस तो आपको प्यार देती ही है, साथ में आपके जितने भी यूट्यूबर्स फ्रेंड हैं वो भी आपको सपोर्ट करना है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या फील होता है जब इस तरह से बॉन्डिंग बन जाती है और सपोर्ट मिलता है? मैं तो ये कहता हूँ कि यूट्यूब एज अ कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, हम लोग एकजुट हैं और हम लोग सबके लिए हैं, कभी भी कुछ होता है तो सब एक दूसरे के लिए आ जाते हैं, तो ये भाईचारा बहुत, मैं तो गर्व से बोलता हूँ कि यूट्यूब इंडिया का, स्पेसिफिकली यूट्यूब इंडिया का भाईचारा बहुत गजब है, और मेरे बुलाने पे, मेरे कहने पे आ गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और अभी सबका कुछ ना कुछ चालू है, तो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, पता ही है। क्या मेरा मन है, अगर आप देखो लगा सकते हो सिफारिश तो बेस्ट हो जाएगा, वरना मन तो है। एज अ गेस्ट जाना चाहूंगा। तो जितने लोग ये देख रहे हैं जाइए, अभी तो पोस्टर आया है लेकिन ट्रेलर आएगा, फिर उसके बाद इसी महीने से एपिसोड आने शुरू होंगे, हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा, तो जितना प्यार अभी तक बीबी के वाइंस को आप लोगों ने दिया है उतना ही आगे भी देते रहेंगे, उम्मीद है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डिलीवर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।